नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DNS डे नाइट स्टडी में। दोस्तों, DNS के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आज हम हरिश्चंद महाविद्यालय के LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आपको हरिश्चंद महाविद्यालय का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा जो कि DNS का है। उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके आप प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, यानी कि आपको इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन पेपर करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। और दोस्तों, इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सारा जो इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखा रहता है कैंडिडेट्स के लिए, वहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार, आपको दिख रहा होगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों, इसका पहला यानी कि WTO वाज फॉर्मड इन द ईयर, दोस्तों इसका आंसर पहला वाला यानी कि 1946 का इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्फ खेल का प्रारंभ किस देश में हुआ। दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इन विच कंट्री गोल्फ गेम्स वाज स्टार्टेड, दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपका बी यानी कि स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर बी इनकी स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्षण का प्रकार नहीं है। दोस्तों, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रिंस्क्रिप्शन, दोस्तों इसका आंसर होगा आपका कोहरा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक रेखांकित चेक का नवीनीकरण केवल नजदीकीकरण केवल होता है, यानी कि अक्रॉस चेक इज वन विच कैन बी इनकेस्ड ओनली, दोस्तों इसका ऑप्शन जो इसका दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका बी वाला, बैंक के माध्यम से यानी कि थ्रू अ बैंक। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर फाइव आपका है कि कोलंबिया हादसे के बाद वह कौन सा पहला अंतरिक्ष यान था जो सफल उड़ान किया। दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसमें टाइटन वी और डिस्कवरी में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, आप इसको देख करके अपने हिसाब से आप इसको कर लीजिएगा। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरो कप का संबंध है, यानी कि दोस्तों इसका आंसर होगा आपका फुटबॉल होगा। ठीक है, यानी कि यूरो कप इज रिलेटेड टू इसका होगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन द लेमन, दोस्तों इसका आंसर होगा 7 का ए यानी कि साइट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कि 20% वार्षिक ब्याज की दर से एक धनराशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो आपका सी वाला यानी कि 5 ईयर्स में। ओके, यानी कि 20% ऑफ एनुअल इंटरेस्ट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल सम विल बी डबल्ड, यानी कि इसका 5 ईयर आंसर होगा। दोस्तों, ये थोड़ा सा वीडियो शॉर्टेज होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर देख लीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप WhatsApp पे SMS कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान सभा की पहली बैठक को हुई, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मीट ऑन, दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बी वाला यानी कि 9 दिसंबर 1946। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 10 है, द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO इज सिचुएटेड इज, दोस्तों इसका आंसर होगा 10 का जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक समूह में कौन सा संगठन सम्मिलित नहीं है, यानी कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इंक्लूडेड द इन वर्ल्ड ग्रुप। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका ए IMF इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, फेमा संबंधित है यानी कि फेमा इज एसोसिएटेड विथ, क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो आपका 12 है इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि विदेशी विनिमय के आरक्षण से फेमा इज एसोसिएटेड विथ द कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोग का कि तारों की ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको दिख रहा होगा तारों की ऊर्जा उत्पन्न होती है, द एनर्जी ऑफ द स्टार आर प्रोड्यूस बाई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर नंबर सी यानी कि नाभिकीय संलग्न द्वारा होगा, न्यूक्लियर फंक्शन द्वारा। निम्न में से क्या कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपको 14 है, इसका आंसर होगा आपका एमएस डांस सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 15 है, नारियल का भाग कौन सा खाने योग्य होता है, यानी कि विच पार्ट ऑफ कोकोनट इज एडिएबल। दोस्तों इसका आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजन में था, तो इसको हमने किया नहीं, आप इसको इस क्वेश्चन से का आंसर आप खुद से कर लेना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कालिदास, भास, आर्यभट्ट एवं वराह मिहिर जैसे विद्वानों की किस वंश के शासनकाल से संबंध करते हैं। दोस्तों जो इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, वो आपका बी यानी कि गुप्त, यानी कि विद द रीजन ऑफ विच डायनेस्टी वर्ड वी एसोसिएटेड स्कॉलर लाइक कालिदास, भास एंड आर्यभट्ट एंड वारमिंद एंड आपका है वारामिहिर। दोस्तों इसका आंसर था आपका गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, शायद आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 17 है, इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम दिया गया, यानी कि द वर्ड इकोसिस्टम वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय, यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका आंसर होगा आपका फर्स्ट ए, स्टेनो द्वारा यानी कि स्टेनली द्वारा। ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिकीय तंत्र में हरे पादप जाने जाते हैं, यानी कि इन एन इकोसिस्टम ग्रीन प्लांट आर नोन एज। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है, इसका आंसर आपका ए वाला होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे को जैविक ऊर्जा की तरह उपयोग में लाया जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज इज बायो एनर्जी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 है, इसका दोस्तों आपको ये बी और सी को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप इसको अपने किसे इसको कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 है, क्यूरीशेक में क्या मापा जाता है, यानी कि व्हाट इज द मेजर इन क्यूशेश, जल की शुद्धता, जल का बहाव, जल की गहराई या जल की मात्रा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 यानी कि 20 है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जल के बहाव को इसमें नापा जाता है, यानी कि व्हाट इज द मेजर इश्यू एंड द फ्लोर ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 21 है आपका कि निम्न में से कौन कंप्यूटर निर्माता नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चर। ठीक है यानी क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सैमसंग एक आपका मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर का नहीं है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हरिश्चंद महाविद्यालय से संबंधित आपके लिए यहाँ पे न्यूज़ नोटिस इस चैनल पे आपको लगातार मिलती रहती है। दोस्तों अगर आपने हरिश्चंद महाविद्यालय का LLB का जो है आपने सब्जेक्ट यानी कि सिलेबस नहीं देखा है, तो आप इस चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पे उस प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे सिलेबस दिख जाएगा, यानी कि सिलेबस का वीडियो है, वहाँ से आप सिलेबस के वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप प्लीज़ आप अपना सिलेबस का वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का संबंध निम्नलिखित में से है, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना इज रिलेटेड टू। दोस्तों इसका 22 का जो ऑप्शन होगा वो आपका सी यानी कि कौशल प्रशिक्षण से, स्किल ट्रेनिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ग्लूकोज का अधिक होने पर वह निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित रहता है, यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है, यानी कि इन ह्यूमन बॉडी एक्सेस क्वांटिटी ऑफ द ग्लूकोज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसका ऑप्शन नंबर 3 का ग्लाइकोजन द्वारा, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 24 है कि गमक्सीन DDT और ब्लीचिंग पाउडर प्रमुख यौगिक है, यानी कि गमक्सीन DDT ब्लीचिंग पाउडर आर इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ। दोस्तों इसका जो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन होगा ए यानी कि क्लोरीन का। ठीक है अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 25, एक धातु की चमक का कारण होता है। ठीक है यानी द लस्टर ऑफ द मेटल इज ड्यू टू। दोस्तों इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का, वो आपका ए यानी कि इसका अधिक घनत्व के कारण, इट्स हाई डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिमानव का मुख्य व्यवसाय था, यानी कि मेन ऑक्यूपेशन ऑफ
प्रिमिटिंग मैन वास। दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, भोजन और संग्रह यानी फूड और गैदरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है, तो दोस्तों बहुत ही नॉर्मल सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दूरी का होगा। ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है माइक्रोकांड्रिया का मुख्य कार्य क्या है कोशिका में, क्या यानी कि माइक्रोकांड्रिया डेज इन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 28 का डी यानी कि श्वसन में, सेप्सिशन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 29 है, आपको दिख रहा होगा यस 29 जो है कि डेवलपमेंट जज फ्रीडम फार्म इन इंडिया परपेक्टिव नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ड्यू डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम फॉर एन इंडियन पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो आपका 29 है इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि करेक्ट होगा, यानी कि अमर सेन, यानी कि अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, यानी कि वेयर इज द इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि आपका कल्पक्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा कहलाती है, यानी कि एनर्जी कमिंग ऑन द अर्थ इज, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका 31 है इसका आंसर होगा ए सौर विकिरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि किसको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, किसको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, यानी कि हु इज रिगार्डेड एज मार्टिन लूथर लूथर। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि दयानंद सरस्वती। ओके, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 है लोधी वंश का संस्थापक कौन था, यानी कि लोधी वंश का संस्थापक था द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टिक वास। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का आपका ऑप्शन नंबर बी से यानी कि बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन संतोष ट्रॉफी इस खेल से संबंधित, यानी किस खेल से संबंधित दोस्तों संतोष ट्रॉफी, तो इसका दोस्तों ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी आपका फुटबॉल सही होगा, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन योजना आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों, इसका होगा आपका क्वेश्चन नंबर 35 का ए यानी कि प्रधानमंत्री होता है, यानी कि चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन आपका प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक अर्थव्यवस्था का प्रकार नहीं, यानी कि इनमें से कौन एक अर्थव्यवस्था का प्रकार नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर होगा आपका बी समाजवादी। ठीक है, समाजवादी से यहाँ पे आपको अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, पूंजीवादी और मिश्रित व्यवस्था इसमें मेनली होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 37 की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 37 है भारत में आपको देख रहा होगा भारत में नगरीकरण का मुख्य प्रभाव है, यानी कि द चीफ इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन इन द इंडिया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 है इसका आपका क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि अत्यधिक रोजगार की उपलब्धि के लिए, यानी कि मोर जॉब्स अवेलेबल। भारत का संविधान किस दिन अधिनियम किया गया था, यानी कि अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, यानी कि वेन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन एक्टेड। क्वेश्चन नंबर आपका 38 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, यानी कि 26 नवंबर 1949। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है कि वर्ष 2018 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, यानी कि एज पर सेंसस 2018 द सेक्स रेशियो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 है इसका ऑप्शन नंबर डी आपका, दोस्तों इसका 943 होगा, ऑप्शन में 923 दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द डाई ऑफ इज फेमस फॉर रबर कल्चरेशन, यानी कि कर्नाटक, ओडिशा का, आंध्र प्रदेश, केरल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर वर्ड डी यानी कि केरला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया, यानी कि नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 41 जो है इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 1909 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1909 को इसका दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है, यानी कि मल्टीमीडिया स्कैन कंटेंट्स। दोस्तों इसमें कुछ डाउट्स थे इसको लेकर, तो आप इसको खुद से करिए, इसमें कुछ डाउट्स है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन खुद से स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है एक निश्चित पते पर किसी यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है, यानी कि सेंडिंग एन आइडेंटिकल ईमेल मैसेज रिपीटली टू पर्टिकुलर एड्रेस बाय एन अब्यूज़र।
इज़ कॉल्ड। दोस्तों इसका जो आंसर होगा आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप गलत होगा तो हम आपको कमेंट बॉक्स में सही ऑप्शन बताएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि निमाता व्याधि का मुख्य कारण है, यानी कि मीनामाता डिजीज इज केस ड्यू टू, यानी क्वेश्चन नंबर 44 है इसका ऑप्शन नंबर सी, पार्षद विषक्तता से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरिश्चंद्र महाविद्यालय में क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हरिश्चंद्र महाविद्यालय से संबंधित आपको न्यूज़ नोटिस यहाँ पर मिलती रहती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 45 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कि निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आनुवंशिक प्रकृति का क्लोनिंग जेनेटिक। ओके, क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनने के लिए चाहिए, यानी कि विच विटामिन से रिक्वायर फॉर द प्रोटीन ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों 46 है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि POCCS कानून का संबंध है, यानी कि POCCS आर्ट इज रिलेटेड टू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपको 47 है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चों से। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रेन होगा, भारतीय रिमोट सेंसेशन संस्था IIRS स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंडिंग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी सी, यानी कि लखनऊ होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 49 है कि कॉमनवेल्थ गेम 2018 में भारत में किस इवेंट में अधिकतम पदक जीते, यानी कि द इवेंट इन विच इंडिया वन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स एट कॉमनवेल्थ गेम्स CWG 2018 में। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 49 का जो आपका आंसर होगा वो आपका सी वाला, यानी कि शूटिंग में जीता जाता है। ठीक है, इंडिया ने निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में अपने उत्पाद के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 68वें इतिहास के साथ ही महिला न्यायाधीश बन चुकी हैं। दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा सही आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, यानी कि दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन यानी कि ऋग्वेद, यानी कि इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ण इज फाउंडर रिफर ऑफ द फर्स्ट टाइम। दोस्तों इसका होगा ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 43 है, क्वेश्चन नंबर 43, रक्त का रंग लाल होता है क्योंकि उसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ब्लड अपीयर्स इन रेड इन कलर बी केस इन कॉन्टेंट। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43 का सी। ठीक है, सी यानी कि हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रांड ट्रक रूट पर स्थित नहीं है, यानी कौन सा शहर है जो ग्रांड ट्रक पे आपका स्थित नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका जो इशू है आपका कोलकाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमंद है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 55 है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, गंगोत्री हिमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया है। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 56 का आपका ऑप्शन नंबर होगा अकबर हुमायूं में से कोई होगा, आप इसको देख सकते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों 47 है, यानी कि इसका सऊदी अरब सी वाला। ओके दोस्तों, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरकार सरोवर परियोजना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 58 है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ये आपका ए नर्मदा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एसोसिएटेड विद द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 49 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रतिनिधित्व होते, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ कलेक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल टू होम, यानी कि दोस्तों इसका प्रधानमंत्री होगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है, यानी कि वेयर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट रजिस्ट्रेशन जा सकती है, केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। इसका आंसर सही होगा, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा है, यानी कि मैकमोहन लाइन इज, दोस्तों इसका जो क्वेश्चन नंबर 68 है इसका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा, भारत और चीन के मध्य, यानी कि मैकमोहन लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 62 है, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन है। ठीक है दोस्तों, इसमें होगा उपयुक्त सक,
ठीक है, क्योंकि उन सभी की आवश्यकता है उत्पादन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये करंट में हर साल चेंज होते रहते हैं, तो आप इसको करंट अफेयर का क्वेश्चन आप इसको से करिए आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वायुमंडल को प्रदूषित करने वाला कारक है? दोस्तों इसका ऑप्शन होगा सामाजिक, द मेन फैक्टर ऑफ पॉल्यूशन एटमोसफियर, इसका होगा सोशल, समाज में ही कुछ लोग गंदगी फैलाते हैं तो वही है, क्योंकि इसका आपका प्राकृतिक होने यानी कि आपका नेचर हो नहीं सकता, इंडस्ट्रियल हो नहीं सकता और उपयोग सभी तो हो नहीं सकता। ठीक है, राज्यसभा का पद्य सभापति कौन होता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 64 65 है आपका, इसका आंसर होगा सी, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति इसका होता है यानी कि हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसका ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों है आप लोग का 66, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका 66 है, इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूयॉर्क में। ठीक है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। क्वेश्चन नंबर 67 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? यानी कि हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका 67 है, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कुर्ट वाल्डे, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य की संकल्पना नहीं गई? दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 68 थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन इसका ऑस्ट्रेलिया होगा, एक बार आप चेक करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राज्य की कार्यपालक शक्ति निहित होती है, ठीक है, यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड विद? दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 69 का आपका होगा राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर में इसका राज्य की शक्तियाँ जो है उसमें निहित होती हैं, गवर्नर में यानी कि राज्यपाल में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 है, तो इसका दोस्तों आंसर होगा न्यायमूर्ति HL दत्त, यानी कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका जस्टिस HL दत्त होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 71, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि विच डे इज सेलिब्रेटेड इज ह्यूमन राइट्स डे? क्वेश्चन नंबर आपका 71 का आपका होगा 20, यानी कि 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेनानिवृत्त की उम्र क्या है, यानी कि व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट? क्वेश्चन नंबर आपका 72 का ऑप्शन नंबर ये आपका 65 वर्ष होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि देश के कितने राज्यों में द्विसंधीय राज्य विधानसभाएं हैं, यानी कि हाउ मेनी स्टेट इज बाई केमिकल स्टेट लेजिस्ट्रेची इन द कंट्री? क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका जो 73 है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व को शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 74, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका सी, भाग चौथे भाग में। ठीक है, पार्ट चौथे भाग में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विधि आयोग के यानी कि हु इज द चेयरमैन ऑफ लॉ ऑफ कमीशन प्रेजेंटली? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 75 का, ये तो करेंट का आपका था, लेकिन ये इसका ए वाला सही होगा, करंट के हिसाब से यानी कि ये चेंज होता रहता है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 76 है कि विच डे इज सेलिब्रेटेड इज द लॉ ऑफ डे, यानी कि विधि दिवस किस दिन आ जाता है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो आपका जो 76 है, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी कि 26 नवंबर को सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल कितनी, यानी कि द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 77 है, इसका ऑप्शन नंबर ये होगा 24 है अभी फिलहाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, यानी कि हु इज द फर्स्ट फीमेल जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 78 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, जस्टिस AM फातिमा बीबी होगा। ठीक है, बीबी, संसद के दो अनुक्रमित सत्रों के मध्य अंतर हो सकता है, 6 महीने का अंतर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट है कि लोकसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु की अर्हता क्या है, यानी कि लोकसभा का जो सबसे कम या मतलब कितने में आप उसके लोकसभा सदस्य बन सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25 वर्ष में आप बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों ये हेग में होगा। ठीक है, हेग में इसका होगा। निम्नलिखित में से कौन से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश गीन जज के तौर पर प्रसिद्ध हैं? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाहिक इसमें हो गया आपका संस्कार। ठीक है, ऑप्शन इसका संस्कार सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों जो 84 है इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष पर। ठीक है, इसका आंसर वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में मूल अधिकार नहीं है? ठीक है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपका 86 है। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा यानी कि संपत्ति का अधिकार ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 87, सरकार का आदर करना ये मूल कर्तव्य नहीं है, ये सब आपके मूल कर्तव्य हैं। ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्य आप याद कर लीजिएगा, मूल कर्तव्य से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का गठन किया गया था यानी कि 88 जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका बी यानी कि 69वें संशोधन द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 89 है यानी कि 89। दोस्तों ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आप इसको स्वयं करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 90 है, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार किया गया यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका ऑप्शन आपका बी होगा यानी कि 1948। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, RTI का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इसका सूचना और अधिकार होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यानी कि इसका बी होगा 91 का। दोस्तों इसका राइट टू इंक्वायरी होगा, सॉरी आपका इसका जांच का अधिकार होगा। ठीक है, आपका ये नहीं होगा, जांच का अधिकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार यानी किस वर्ष लागू किया गया? यानी कि राइट ऑफ टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस थॉट 86 एम्बेडमेंट केम इंटू फोर्स। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका जो 92 है इसका आपका ऑप्शन जो होगा आपका ए वाला। ठीक है, 2002 से लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट है आपका 93 की, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? यानी कि 93 का दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा सी वाला, 74वें संशोधन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आयकर की प्रवृत्ति क्या है? यानी क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 94 है आपका इसका ए वाला से होगा, प्रत्यक्ष कर यानी कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इनकम टैक्स, इसका होगा प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान संशोधन हेतु बिल आरंभ करने के लिए कौन शक्ति रखता है? क्वेश्चन नंबर 95 है, इसका बी होगा यानी कि लोकसभा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति का महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जा सकती है? यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 96 है इसका संसद के किसी एक सदन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 का डी वाला आपका, सॉरी 96 का डी वाला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर लास्ट नहीं 97 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 97 आपका है कि निजता का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में अभिप्रेरित है? यानी कि 97 दोस्तों इसका आपका आंसर होगा बी, बी आपका सही, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में यानी कि राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट्स इज इम्प्लाइड इन यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, भारतीय संविधान समर्पित है, क्वेश्चन नंबर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेडिकेटेड टू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका जो 98 है इसका आपका आंसर नंबर सी, संपूर्ण समाज पे। क्वेश्चन नंबर 99 है कि एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यानी कि उसकी यदि मतलब उसने कितनी उम्र उसको होनी चाहिए? अ पर्सन कैन बी कॉन्टेस्ट द पंचायत इलेक्शन इफ हैज़ इट राइट टू द एज। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 99 का होगा सी, 21 वर्ष उसकी आयु मस्ट यानी कि होती होनी चाहिए, उसके बाद वो चुनाव लड़ सकता है, प्रधान बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं? यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 100 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है,